कभी कभी ना किसी के इंतज़ार में हम इतना वक्त वेस्ट कर देते हैं ना कि शायद हम वो वक्त अगर अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, अपने आप को, या फिर कोई ऐसी चीज़ पर लगा पाते या अपने करियर पर लगा पाते तो पता नहीं कहाँ होते। सो सबसे पहले ना अपने आप पर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, फिर उसके बाद किसी और को प्रायोरिटी रखो। वेल हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दिंजल, और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मंसूरी से। सो जहाँ मैं रुकी थी वहाँ का बफे सिस्टम है, एंड ऑब्वियसली बफे सिस्टम होता है तो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं आपके पास खाने की, एंड मैं आज कवर करने वाली हूँ ऑफ पीट प्लेसेस ऑफ मंसूरी। चेक आउट दिस वाला रूम गाइस, या लुक एट दिस वाला रूम, हमारे वाला ही है बट या कैसे लगेगा इस यहाँ के रूम, मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके प्लीज बताओ यहाँ के रूम कैसे लगे आपको। मैं वो दो बार दूसरी बार रूम दिखा रही हूँ, कमेंट करके बता दो तो लगा कैसा। इसलिए हमें भैया की जरूरत पड़ती है हमेशा। Yes. ये देखो आप, हमें यहाँ से अंदर जाना होता है माल और राइट जाना है हमको, हम वहाँ जा रहे हैं लैंडोर। सो गाइस लुक एट इट राइट नाउ, अगर आप देख सकते हो हम इतने ऊपर आ गए, ये जो धुंध, ये धुंध नहीं है बादल है, और इतनी एक ही रोड है आप देख सकते हो, बिल्कुल बारिश हो रही है। साक्षी पूरी चिल मोड में चला रही है गाड़ी, हम पता नहीं अभी किसी विलेज में जा रहे हैं। ओके, नो पार्किंग, नो पार्किंग, सो दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ। पूरे बादल इतने नीचे आ गए यार, मजा ही आ गया। लोग जिस गलियों से आए ना, वो गलियां ऐसी थी कि एक गाड़ी एक टाइम, तेरी गलियां गलियां गलियां। हम कहां जा रहे हैं जानू, ओ बंदर बाय कर दिया। चलो तुम्हें पता है हम कहां जा रहे हैं, गांव में, मतलब हम जा रहे हैं लेवेंडर विलेज। चलो देखते हैं क्या है। तो ये है ओल्ड मंसूरी, यहाँ पे देखो गाइस ऐसे गाड़ी इतनी मुश्किल से निकल रही है, लोग मोस्टली आते नहीं है, पता चल रहा है मेरे को क्यों नहीं आते, क्योंकि जगह ही नहीं होती आने ऊपर नीचे जाने की, ऊपर नीचे की बहुत कम चौड़ी मंजिल। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, हम आ गए हैं विलेज एरिया में ओल्ड मंसूरी में, एंड इट इज लाइक कि गाड़ी हमने पार्क कर दी है, मौसम देखो कितना प्यारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ गाइस। मुझे नहीं पता था मंसूरी भी इतना खूबसूरत हो सकता है, मतलब आई लव्ड इट यार। मेरे को लगता था मंसूरी थोड़ा ना लोगों की जगह खचर पचर होगी, बट वेन यू कम टू ओल्ड साइड ऑफ दिस प्लेस, जो कि आप मिस मत करना, फॉर द व्यू ऑल्सो, फॉर द रोड्स ऑल्सो, एंड इट्स लाइक यू नो पूरा ऑफ बीट प्लेस, यू विल लव इट यार। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। No parking zone, लेकिन हमें तो पेड़ कितने खूबसूरत है यार यहाँ के गाइस, बरे 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 हरियाली, छाता निकालना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है। वी आर हियर इन लैंडोर बिग हाउस, एंड आई नीड टू गो रेडी वॉशरूम अभी तो फिलहाल, बट लेट्स ट्राई समथिंग। आई ऑर्डर्ड मायसेल्फ अ कॉफी, एंड हमने अपने लिए क्रोस आलमंड केक ऑर्डर किया है, एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, सो लेट्स ट्राई इट, पर मैं कॉफी पहले ट्राई करूंगी, नहीं पहले ये ट्राई करनी है, पहले ट्राई करूंगी, टेस्टफुल हो जाएगा। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ इट। I just had a very amazing rose cake. Usually आप लड़की को रोज देते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने रोज खाया और मुझे काफी तुम्हारी वाली लाइन बोलूं तो बचपन में ही चॉइस का पता चल जाता है। So, have you been other places also? I want to say one thing. Yeah. I really compliment her that she's so pretty. Yeah, she, offended. Yeah, she looks actually so pretty. She yeah, is pretty. So pretty. I love your hair, by the way. I want to commend you that time. Right. So, you know, I really want to ask, like, have you been other places also? Yeah. Where? In India or? Yes, in India. India. सो आसपास ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ आपको कुछ ऐसे शॉप मिल जाएंगी
और obviously आप रोड पे वॉक करोगे तो उसका अपना मजा है। कितने साल शादी को गए आप लोगों की? 40. Oh my god. Nowadays generation cannot even last 40. So guys, this is one of the famous cafe यहाँ का, तो इट्स अ डोमा कैफे एंड ये यहाँ का मतलब ऑफ बीट लोकेशन का बेस्ट कैफे है। अगर आप आ रहे हो इस साइड पे, क्या नाम है इस जगह का, तुम नाम भूल गए होगे, प्रिटी श्योर। ओल्ड मंसूरी। ओल्ड मंसूरी भूल गए। तो अगर आप ओल्ड मंसूरी आ रहे हो तो यू लव दिस प्लेस। और पता है पहाड़ भी नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इट इज लाइक अ एडवेंचर। और मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, बट यू नो मंसूरी में ना जो ये ऑफ बीट मंसूरी लोकेशन है ना, जो ओल्ड मंसूरी की लोकेशन है, दिस इज एक्चुअली स्पेक्टेकुलर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तुम मतलब अगर आप एडवेंचर करना पसंद करते हो, अगर आप ये माल रोड पे घूमने वाले बंदे ना हो, आपको लगे कि हाँ यार कुछ नया करना है आज, वो गाड़ी देख कहाँ जाएगी, वाह 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 मम्मी, नहीं यहाँ से रास्ता जा रहा है ना नीचे, वो देखो वो रहा रास्ता, थोड़ा देख के वही कहाँ जा रही है गाड़ी हमारी आज। This what Sakshi was talking about. Zero visibility, literally. You cannot see down also कि वहाँ पे कोई है या नहीं है। So guys, हम आ चुके हैं आज की अगली location पे, which is George Everest Peak, जिसका पूरा trail जा रहा है, मेरे trail जा रहा है मेरे पीछे से। मगर अभी क्या सीन है, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, so we are not planning for any trail, but ये जगह बहुत awesome है, मैं दिखाती हूँ। लव को नहीं देखना, जगह को देखना गाइस, उसको मत देखो। ये ना बड़ी वैसी वाइब दे रहा है, इट गिव्स लाइक कश्मीर वाइब, बट वी विल नॉट एबल टू गो अप अपसाइड वेरी बिकॉज़ इट्स ट्रेल नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ इट्स रेनिंग। अच्छा, आई एम हैप्पी, चलो। बट इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रेल, पता है। सो गाइस, वी आर बैक। ये इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। गाड़ी हमारी फिर से कहीं दूर पार्क है, क्योंकि यहां 4:30 से 10 बजे तक नो एंट्री ऑफ द कार। Well, thank you so much for watching. आज के लिए इतना ही. See you day after tomorrow with new place. Obviously, stay tuned for that.